प्यारे दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू गेट एनर्जी, कि आप एनर्जी को कैसे प्राप्त करोगे। आप बहुत कुछ खाते हो, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल, बहुत सारे चीजें आप खाते हो। क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि आपको उससे एनर्जी नहीं मिल रही? यदि ऐसा है तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि क्योंकि हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि उन सभी चीजों से जो आप खा रहे हो से भी ज्यादा आपको एनर्जी प्राप्त होगी। वो एनर्जी है आपकी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो आपको दे सकती है। खुश रहिए, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो यह कैसे आप की एनर्जी इंक्रीज करेगी, कैसे आपकी शक्ति को ज्यादा करेगी? बहुत सिंपल सा है। जब आप खुश होते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी जो शक्तियां वो पैसिव में है। पैसिव का मतलब है शांत है। साइंस का एक नियम है कि कोई भी शक्ति ज्यादा पैदा नहीं होती ना ही कम होती है, उसका एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है। जस्ट वो बदलता है, यानी आपकी जो शक्ति थी पैसिव में थी, पैसिव शांत थी। जब आप खुश होते हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो, खेलते हो, तो क्या होता है, यह एक्टिव हो जाती है। एक्टिव, एक्टिव का मतलब यह है कि आप बहुत ही आनंदित महसूस करोगे। यस, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है, आज तो बहुत मुझे फ्रेशनेस प्राप्त हो रही है। तो क्यों? क्योंकि आप उस दिन बहुत ही खुश थे, बहुत ही हैप्पी थे। हैप्पी से जो आपकी जो शक्ति है ना, टोटल एनर्जी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें से जो आपके अंदर एक एक हिस्सा जो टूट रहा था, जब आप मुस्कुराओगे, जब आप हंसोगे, खुद को खुश महसूस करोगे, तो इसमें से आपको एनर्जी प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या है कि आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। जब आपके पास इनफ एनर्जी है तो आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। आप हर तरह से काम कर सकते हो, हर तरह से घूम सकते हो, चल सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ एनर्जी है जो आपको हैप्पीनेस से प्राप्त होगी। यह जो हैप्पीनेस है ना, खुश रहना बहुत सारी तकलीफों का इलाज है। कैसे, आपको बता देते हैं। देखो, हैप्पीनेस से क्या होता है कि मान लो आप किसी बात पे गुस्सा हो, फिर भी आप मुस्कुराते हो, तो जो गुस्सा है ना, एनर्जी जो आपने एंग्री हुए थे, वो आपकी एनर्जी को रिवर्स में कन्वर्ट कर देता है, माइनस में। आपको महसूस होता है कि आपकी शक्ति कम हो गई है, गुस्सा ज्यादा किया था, एनर्जी कम हो गई है। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपका जो लेवल है ना, इस लेवल से ऊपर चला गया, इससे लेवल से ऊपर चला गया। मींस आपको सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश की अनुभूति ही नहीं, क्योंकि आपने एक ऐसे लेवल पे हो जहां आनंद होता है। जब उस लेवल पे आप पहुंच गए तो आपको किसी प्रकार से जो आपकी मन की भावनाएं हैं वो जो आपको खींच रही हैं, आपकी एनर्जी को नेगेटिव में लेके जा रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए एक ही बात आपने दिन रात चेक करनी है, क्या मेरी जिंदगी है खुशहाल है,
क्या मैं खुश हूं, खुशी के लिए बहाने ढूंढिए। बहाने मतलब ये आपने ऐसा बहाना ढूंढना है कि आज मैं किस तरह से खुश रह सकूं। किसी के भले का काम करते हैं तो खुश रह सकोगे कि नहीं? कोई ऐसा आइडिया सोचो कि मैं कैसे इस चीज को प्राप्त करूं, हैप्पीनेस। हर समय इसी बात के ऊपर, दुनिया गुस्से होती है, होने दो, दुनिया पागल समझती है, हमें पागल समझने दो, पर हमने हर हालत में एक बात सीखनी है कि मैं खुश कैसे रहना है। खुशी के लिए सुबह चलिए, सुबह उठिए, चलिए घूमिए, विचारिए कि आज दुनिया किस तरह से हसीन है, कैसे खुशहाल है, कैसे नेचर चल रही है। हर दिन में आप जब महसूस करोगे कि खुशियां अनंत हैं, अपने आप में उसको नहाने दीजिए, देखिए कितना आनंद है। यस, कितना आनंद है, हालात कितने अच्छे हैं आज, कितना सुख है आज, इतना आनंदित दिन है। तो अपने आप को इस विचारों से भर लीजिए, क्योंकि जो ये हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस ये आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके नस नस में फैल जाना चाहिए कि मैं खुश हूं। यस, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि सब कुछ है। एनर्जी इसी से आएगी, इसी विचारों से आएगी। और जब आपको महसूस हो कि आपकी सोच अच्छी है, अच्छे लेवल पे जा रही है, मुस्कुराइए, हंसिए, जीवन इसी का नाम है। रोने से दुनिया रोती नहीं है, हंसने से हर कोई खुश होता है। आप भी हंसिए, औरों को हंसाइए, मन में आनंद को महसूस कीजिए, क्योंकि आनंद महसूस करने की चीज है। सोचना बंद कीजिए, सिर्फ इस हैप्पीनेस को महसूस कीजिए, रिलैक्स होकर। कितनी शक्ति आप में एक्टिव हो रही है पैसिव से, इसे महसूस करते रहिए, तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपको हर रोज एक नई एनर्जी प्राप्त होगी। तुम्हें जो एनर्जी है ना, एक मैं और बात कहना चाहता हूं, यह जो शक्ति है ना, इसमें एक खासियत है, ये फ्लो के साथ चलती है। मान लो कि अगर इसने एक बार अपना रूप चेंज कर लिया, एक बार, तो यह उसी फ्लो में चलती जाएगी। एक बार आप खुश होना स्टार्ट कीजिए तो यह एनर्जी उसी फ्लो में बढ़ती जाएगी, जिस फ्लो में आप हैप्पी हो गए। ऐसे इसका फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक सर्कल बना लेता है, क्योंकि जैसे आपका रूटीन होगा वैसे आपको चुस्ती आएगी। यह एहसास तो बहुत ही आनंदित दिन है, आज तो बहुत ही खुशहाल दिन है, और मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं। यह आपने बात अपने आप से कहनी है, तो आपका दिन उससे भी ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। कितने गुना एनर्जी आपको मिलेगी जब आप अच्छा खुद को महसूस करने के लिए बाध्य करोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।